हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आरसीटी कराने के बाद भी पेन क्यों रहता है। देखिए, पहले समझिए इसको कि आरसीटी के बाद भी पेन क्यों रहता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पेशेंट बोलता है कि मैंने आरसीटी कराया था, डॉक्टर साहब इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद मेरा दांत में दर्द अभी नहीं गया। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो, एक तो हो सकता है कि आरसीटी जो आपने कराया, जब क्या होता है, जब हम आरसीटी करते हैं उसके नस की सफाई करते हैं तो कभी कभी ढंग से साफ नहीं हो पाता है, कुछ लेटरल कैनाल्स रह जाते हैं, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। एक तो ये कारण हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग आरसीटी कंप्लीट करके कैप लगाते हैं तो हाई पॉइंट्स हो जाता है। हाई पॉइंट्स क्या होता है, जब ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत अक्लूजन में नहीं आते हैं, मिलते नहीं है, ऊंचे रह जाते हैं थोड़े से, तो उस कंडीशन में भी दबाव की वजह से पेन हो सकता है। एक तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण कभी कभी क्या हो सकता है कि आजू बाजू दांत को भी आप देख लें, अगर आसपास वाले दांतों में भी अगर कीड़े लगे होंगे तो कभी कभी पता नहीं लगता है कि उस दांत में दर्द हो रहा है या बगल वाले दांत में दर्द हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग आरसीटी करते हैं, जब हम लोग सील करते हैं आरसीटी को, तो उसमें गट्टा पर्चा डालते हैं। आपने देखा होगा, एक पतली सी लकड़ी जैसी होती है, वो गट्टा पर्चा बोलते हैं, जिसे हम सील करते हैं अंदर, वो नीचे तक जाती है। तो वो जो जब सील कर रहे होते हैं तो कभी कभी वो नीचे चला जाता है, जड़ के नीचे चला जाता है, तो तब पर भी पेन हो सकता है चबाने पे। तो ये सारे कारण हैं कि आरसीटी के बाद पेन हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट अपना डोज कंप्लीट नहीं करता है, दवाई ढंग से नहीं खाता है जो हम लोग देते हैं लिख के प्रॉपर डोज, उस वजह से भी जख्म थोड़ा अंदर रह जाता है, उस वजह से भी पेन होने लगता है। तो ये सारे कारण हैं आरसीटी के बाद पेन होने के। तो अगर ऐसा होता है आपको तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास फिर से विजिट करो और वो बताएगा आपको कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद उसका सोल्यूशन है और वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे आप करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।